अगर आप अपने आप को अमिट्राइट बोलते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में तो पता ही होगा जो आज मैं बताने वाला हूँ, और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें हम कुछ बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और वो ऐसी बुक्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। एक बार अगर आप बाबा साहब की मूर्तियां लगाना बंद कर देंगे तो वो चलेगा, लेकिन ये बुक्स अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आपने फिर क्या पढ़ा है। ये 21 वॉल्यूम के नाम से फेमस है और इसमें आज तक का बाबा साहब का लगभग पूरा काम इसके अंदर है। इन किताबों को या तो बाबा साहब ने खुद लिखा है, या उनकी स्पीचेस हैं, या उनके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो करते हैं अनबॉक्सिंग। देखिए इस पे लिखा हुआ है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर। संपूर्ण वॉल्यूम भाग एक, हिंदी में खंड 1 से 21, सामाजिक न्याय अधिकतर मंत्रालय। और ये देखिए गवर्नमेंट ने प्रिंट किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकृत मंत्रालय, भारत सरकार, 15 जनपथ, नई दिल्ली, 1111100001, फोन नंबर ये, वेब। ये किताबें बाबा साहब की कई सालों की मेहनत है, तबीयत खराब होने की हालतों में भी ये किताबें उन्होंने लिखी। इन किताबों में वो सब कुछ लिख दिया है जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इन सारी बुक्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में तो बता नहीं सकता, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं एक एक करके इन सारी किताबों के बारे में आपको बताऊंगा। एक एक करके मैं इनके नाम बताता हूँ आपको। भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, भाष्य प्रांतों पर विचार, रनाडे, गांधी और जिन्ना आदि, संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं, डॉक्टर अंबेडकर बंबई विधानमंडल में, डॉक्टर अंबेडकर साइवन कमीशन के साथ, डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज में, हिंदुत्व का दर्शन, क्रांति प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि, हिंदू धर्म की पहेलियां, अस्पृश्यता अथवा भारत के बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी, अस्पृश्य के विरोधी गांधी और उनका अनशन और पूना पैक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंधन, रुपए की समस्या, उसका उद्भव और समाधान। आज की गवर्नमेंट की इसकी बहुत जरूरत है इस वाले वॉल्यूम। शूद्र कौन थे, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, गांधी और अछूतों का उद्धार, डॉक्टर अम्बेडकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तरण संबंधित महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार आदि, डॉक्टर अम्बेडकर केंद्र विधानसभा में, और 21वां आखिरी डॉक्टर अम्बेडकर केंद्र विधानसभा में पार्ट 2। ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए मेरे साथ कि मैं आपको ये 21 वॉल्यूम कुरियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत महंगी किताबें हैं और मैं खुद भी इनको पढ़ना चाहता हूँ, और इनको कुरियर करना भी आसान काम नहीं होगा। लेकिन मेरा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, खासकर इस वीडियो के लिए मैं आपको एक बहुत खास चीज़ देने वाला हूँ, आइए देखते हैं। अब आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि 21 वॉल्यूम के पूरे नाम पढ़ने में इतना टाइम लग गया, किताबें पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास, ये किताब है मेरे पास, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस किताब में इस पूरे 21 वॉल्यूम के सार दिया हुआ है। अगर आपने इस 21 वॉल्यूम की जगह इस किताब को भी पढ़ लिया तो भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इन सारी किताबों में क्या क्या है। और मेरे पास है ये 3 किताबें, मंडे तक मतलब 24 तारीख तक आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको ये 3 किताबें क्यों चाहिए और आप इसका किस तरह से फायदा उठाओगे। उन लक्की 3 लोगों को ये किताबें मैं मंडे को कुरियर करूंगा।
आई बटन पे क्लिक करके बताइए कि कितने लोगों ने इन किताबों को आज पहली बार देखा है। इन सारी किताबों को पढ़ के इसकी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब देखा होगा तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हो सकता है मैं 2-4 दिन जो है वीडियो थोड़ा सा लेट डालूं, या हो सकता है ना भी डाल पाऊं, क्योंकि कुछ समस्याएं चल रही हैं। उस समस्या के बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस बार मैंने टारगेट बढ़ा दिया है, मुझे चाहिए 400 लाइक इस मेहनत के लिए। थैंक यू।